हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न हब यूट्यूब चैनल में। अगर आप स्टूडेंट हैं और पढ़ाई करते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है रोहित गुप्ता और ये चल रहा है कास्टिंग का कोर्स, जिसमें आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ डिज़ाइन ऑफ गेट, जिसमें टॉप गेटिंग सिस्टम मैं आपको पढ़ा चुका हूँ लास्ट लेक्चर में, और आज पढ़ाऊँगा बॉटम गेटिंग सिस्टम की डिज़ाइन। तो ये कोर्स थ्योरी न्यूमेरिकल पूरा दोनों चीज़ इसमें कवर किया जाएगा। ये कंप्लीट कोर्स है कास्टिंग का फॉर द गेट मैकेनिकल, गेट प्रोडक्शन इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और ईएससी मैकेनिकल के लिए। ये है लेक्चर नंबर 15। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन ऑफ गेट से। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि जो होता है जब टॉप गेटिंग सिस्टम के लिए हम लोगों ने टाइम रिक्वायर्ड टू फिल मोल्ड कैविटी ये निकाला हुआ था कि कितने टाइम में हमारा जो कास्टिंग है तो पूरे फिल हो जाएगी। तो यही चीज़ आज हम लोग निकालेंगे बॉटम गेटिंग सिस्टम की डिज़ाइन में। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये बॉटम गेटिंग सिस्टम का फिगर है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो सबसे पहले बॉटम टॉप गेटिंग सिस्टम में क्या होता था, यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर अगर मान लीजिए हम इसको मोल्ड कैविटी मान लेते हैं और केवल इतना पोर्शन लेते हैं तो ये हो जाएगा टॉप गेटिंग सिस्टम, जहाँ पे हमारा ये थर्ड पॉइंट था क्योंकि ये गेट था। गेट क्या होता है, रनर और मोल्ड कैविटी को मिलाने वाला जो पार्ट होता है वो होता है गेट। तो इसमें ये चीज़ रनर है और ये है मोल्ड कैविटी, तो ये जो पॉइंट है थर्ड पॉइंट ये कहलाएगा गेट, क्योंकि यही एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से रनर और मोल्ड कैविटी अटैच हो रहे हैं। चौथा पॉइंट यहाँ पे ले लिया है ये ऊपर, जहाँ से राइजर कनेक्ट होता है मोल्ड कैविटी से। तो जैसे कि हम लोगों ने टॉप गेटिंग सिस्टम में पहले और तीसरे में बर्नौली लगाई थी, सेम तरीके से इसमें भी पहले और तीसरे में बर्नौली लगाएंगे। लेकिन पहले टॉप गेटिंग सिस्टम में क्या अंतर था कि पहला पॉइंट ऊपर था, तीसरा पॉइंट यहाँ था, लेकिन इसमें पहला पॉइंट यहाँ है, तीसरा पॉइंट यहाँ है, गेट पॉइंट यहाँ पर है। तो सबसे पहले वही बर्नौली लगाएंगे 1 और 3 में। पहले में बर्नौली लगाया पी अपॉन रो प्लस V1² / 2 + GZ1 इक्वल टू P3 पे लगाएंगे तो P3 / V3² / 2 + GZ3। यहाँ पे देखेंगे इसको अगर हम एज अ रेफरेंस ले लेते हैं तो Z3 वाला टर्म 0 हो जाएगा। पहले वाले पोर्शन में एटमॉस्फेरिक चीज़ है तो प्रेशर 0 हो जाएगा इस चीज़ यहाँ पर, और यहीं से हम पोर करना शुरू कर रहे हैं तो पहले पॉइंट पे वेलोसिटी भी निगलेक्ट कर लेंगे या 0 ले लेंगे। और जो Z1 है, Z1 पहले पॉइंट की हाइट फ्रॉम द रेफरेंस, तो वो हम लोग पहले डिसाइड किए थे HT मानते हैं, तो Z1 बराबर HT हो गया। और Z3 तो 0 है ही, दोनों चीज़ों को यहाँ रिप्लेस कर देंगे तो हमारा GHT आ जाएगा। GHT क्या आएगा, P3/ρ + V3² / 2, इसको ले लेंगे एज अ इक्वेशन नंबर 1। फिर हम लोग बर्नौली लगाएंगे थर्ड एंड फोर्थ में। थर्ड पॉइंट कहाँ है, ये गेटिंग पॉइंट, और फोर्थ पॉइंट कहाँ है, ये राइजर वाला पॉइंट। यहाँ पे हम लोग फिर से बर्नौली लगाएंगे तो इस बार जो प्रेशर होगा वो 4 पे 0 होगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक से कनेक्ट है पॉइंट नंबर 4। और यहाँ पे जो एस्पिरेशन फ्लो ले लेंगे, एजम्पशन एक ले लेंगे कि जो हमारा फ्लो हो रहा है वो बहुत ही स्लो और स्मूथ हो रहा है, जिसकी वजह से जितनी स्पीड से वेलोसिटी अंदर जा रही है गेट के यहाँ पर और फोर, उतनी ही स्पीड से यहाँ से जब फिल हो जाएगा तो जो फ्लो है वो बाहर निकलेगा। मतलब वेलोसिटी एट पॉइंट 3 एंड वेलोसिटी एट पॉइंट 4 को हम बराबर ले ले रहे हैं एजम्पशन। जब ये बराबर ले लेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, Z3 तो कैन 0 हो ही, Z3 को एज ए रेफरेंस ले रहे हैं तो 0 हो ही जाएगा। और Z4 क्या हो जाएगा, H हाइट क्या है, हाइट ऑफ कास्टिंग, तो हम लोग यहाँ पे रख देंगे तो P3 बराबर आ गया ρgH। अब ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, GHT बराबर P3/ρ + V3² / 2। तो यहाँ से P3 की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर, तो हमारा फाइनल GHT क्या आ जाएगा, ρgH/ρ + V3² / 2, रो से रो कैंसिल हो जाएगा। तो V3 मतलब वेलोसिटी एट गेट, इस वाले पॉइंट पर हमारी वेलोसिटी आ जाएगी √2GHT - H। ये आप याद रखिएगा,
अक्सर पूछ लेते हैं क्वेश्चन में कि बॉटम गेटिंग सिस्टम की डिज़ाइन करते करने में गेट पे वेलोसिटी कितनी होती है, तो 2g ht - h, ठीक है। अब निकालते हैं टाइम रिक्वायर्ड टू फिल, उसको कितना टाइम लगा कास्टिंग को मोल्ड कास्टिंग फिल होने में या मोल्ड कैविटी को मटेरियल फिल करने में। तो मान लेते हैं उसको टाइम लगा TF। तो जैसे हमने टॉप गेटिंग सिस्टम में ये देखा था फॉर्मूला, टाइम इंटू एरिया ऑफ गेट इंटू वेलोसिटी ऑफ गेट इज़क्वल टू वॉल्यूम ऑफ मोल्ड, वॉल्यूम ऑफ मोल्ड या वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग कुछ भी बोल लीजिए। तो यहाँ से जो TF आएगा वो क्या आएगा, VM अपॉन AgVg, यही ये आया था। अब VG की हम लोग यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, जब हम वैल्यू रिप्लेस करेंगे VG क्या आया, √2g ht - h, √2g ht - h, जहाँ पे h क्या है, एच ये है कि जब आप एच इंक्रीज होगा धीरे धीरे, जब आपने यहाँ से फिल करना शुरू किया मोल्टन मटेरियल को, तो सबसे पहले मोल्टन मटेरियल इतनी हाइट पे था जब टाइम T1 था, तो हमारा एच इतना था, फिर हमने और टाइम बढ़ाया तो हमारा एच बढ़ गया। तो ऐसे धीरे 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 बढ़ के पूरा फिल हो जाएगा। तो ये हम एच क्या है, वेरिएबल है, और विथ रिस्पेक्ट ये चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसीलिए हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे टाइम निकालने के लिए, टोटल टाइम निकालने के लिए दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया और टाइम ले लिया 0 to TF, और जो हाइट ले लेंगे वो 0 to HM, मतलब हाइट ऑफ मोल्ड। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, इसको देखिए 0 to TF लग दिया DT और 0 to HM, और यहाँ पे VM को हम क्या ले सकते हैं, AM into H, एरिया ऑफ मोल्ड इंटू एच, एच के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हम इसको यहाँ पे DH लिखना था, और AG को AG, VG को √2g ht - h। अब देखिए, अब इसकी जो चेंज करेंगे लिमिट्स, T=0 पे H=0 होगा, आप देख रहे हैं फिगर से, अगर T=0 लेंगे तो H=0 होगा, और अगर T=TF लेंगे, TF=TF का मतलब ये पूरा फिल हो गया, तो H=HM, ठीक है। तो अब देखिए, जब हम TF निकालेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहाँ पे TF आएगा, TF लिख दिया, और AM अपॉन AG √2g, ये पूरा कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लिए, 0 to HM, 1 अपॉन √HT - HDH, ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया। अब इसने चीज़ का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो ये वाला पोर्शन यही आ गया, AM अपॉन AG √2g, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, इसकी पावर है 1/2, ठीक है, और जब ये इसको लिखेंगे HT - H की पावर -1/2 लिख सकते हैं इसको, जब -1/2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, n+1 अपॉन n+1 होता है ना, x^n+1 अपॉन n+1 फार्मूला होता है। तो जब n+1 लगाएंगे तो -1/2 + 1 करेंगे तो +1/2 हो जाएगा, तो वही HT - H की पावर +1/2 अपॉन +1/2, और इनटू, अब इसका फिर से करेंगे तो HT का तो कुछ नहीं होगा डिफरेंशिएशन, और H का हो जाएगा -1, और फिर वो लिमिट लगा देंगे 0 to HM। अब यहाँ पे फिर से हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे ये माइनस बाहर ले लिया, 2 को बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, 2AM अपॉन AG √2g, और यहाँ पे बचा HT - HM - √HT। तो जो हमारा फाइनल टाइम आ गया, टाइम रिक्वायर्ड टू फिल, दैट इज़ 2AM अपॉन AG √2g और √HT - HT - HM। जब इसको आप अपने से सॉल्व करेंगे तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा, इसका ये फार्मूला याद रखिएगा। टॉप गेटिंग सिस्टम के लिए आप याद रखिएगा क्या होता था, TF = VM अपॉन AG VG, VG की वैल्यू रख देते थे 2 √2g ht, और इसके लिए क्या हो जाएगा, 2AM अपॉन AG √2g कोष्टक में √HT - √HT - HM, जो ये फार्मूला हमारा याद हो गया। अब एक कंडीशन है वो देख लीजिए कि HT और HM, HM क्या है, हाइट ऑफ मोल्ड, और HT क्या है, टोटल हाइट, ये टोटल हाइट। अगर HT और HM को हम बराबर कर दें, अब अगर HM
हाइट ऑफ मोल्ड ज़्यादा हो जाए एच टी से तो क्या होगा? अगर एच एम ज़्यादा हो गया, ये वैल्यू ज़्यादा हो गई तो नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा हो गई तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मोल्टन मेटल इंटर तो करेगा मोल्ड कैविटी अप टू अ हाइट इक्वल टू टोटल मोल्टन हेड, अबाउट बियॉन्ड दैट मोल्टन मेटल विल नॉट इंटर द मोल्ड कैविटी दैट विल बिकम एच अनहेल्ड सेक्शन। मतलब इसका ये हुआ कि देखिए जब ये अगर इसकी टोटल हाइट एच टी है और ये मोल्ड की हाइट एच टी से भी ऊपर है तो ये एच टी तक ही फिल करेगा, उसके ऊपर कभी मटेरियल फिल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी, आप मटेरियल फिल कर रहे हैं यहाँ से तो ग्रेविटी के कारण जो मटेरियल फिल होगा वो यहीं तक होगा, इसके ऊपर मटेरियल फिल होगा ही नहीं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। इसमें दो तीन कंडीशन होती हैं, वो सभी लगा के देखिएगा आप। एक कंडीशन होती है एच टी बराबर एच एम रख देते हैं अगर हम, कि अगर हम इसकी हाइट बराबर कर देते हैं तो एच टी बराबर एच एम रखेंगे ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो 2 AM अंडर रूट एच टी अपॉन AG अंडर रूट 2G। और एच टी से फिर ये वाली केस हम नेक्स्ट वाले वीडियो में देख लेंगे। आप केवल इतना वाला केस याद रखिएगा कि अगर इसकी हाइट एच टी से ज़्यादा हो जाएगी तो एच टी के ऊपर जितना पार्ट है वो वैकेंट रह जाएगा, वो कभी फेल नहीं हो पाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को बॉटम गेटिंग सिस्टम डिज़ाइन में टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द मोल्ड कैविटी का फॉर्मूला और डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे इस पे कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।